नमस्कार साथियों, वेरी गुड इवनिंग। एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप सबके सामने मैं हाजिर हूं और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और एक लेटेस्ट जानकारी के साथ आप सबके सामने हाजिर। तो क्या है वीडियो, इसको बीच में स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो के खत्म होते ही अभी तक हम लोगों ने जितने वीडियोस अपलोड किए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए वहां जरूर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्या है आज के इस वीडियो में रोचक जानकारी और एक इंपॉर्टेंट न्यूज उसको हम। अब दोस्तों आपको पता है कि हम आपके लिए अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीके साइंस कोचिंग सेंटर पर चंद्रयान 3 और प्रज्ञान रोवर से अब तक की जुड़ी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहली वाली वीडियोज नहीं देखा है जिसका थंबनेल हमने दिया है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि क्या सचमुच सब कुछ खत्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि प्रज्ञान रोवर को अब तक जाग जाना चाहिए था, यानी कि एक्टिव हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रज्ञान रोवर की तरफ से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई सूचना नहीं मिल रही है, जिसके कारण दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक जो है वो अब कहीं ना कहीं आस छोड़ रहे हैं। आप सबको पता है दोस्तों कि हमारा प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर मौजूद होकर तमाम चीजों की सूद कर रहा था, खोज कर रहा था, लेकिन दोस्तों अब एक बार फिर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रज्ञान रोवर जो है वो एक्टिव नहीं हो पा रहे। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस रोचक और इंफॉर्मेशन न्यूज के बारे में मैंने आपसे शुरुआत में कही थी उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मात्र अब एक दिन का समय ही बचा है प्रज्ञान रोवर को जगाने के लिए। जी हाँ, अगर इस एक दिन का समय यानी कि आज का समय निकल जाएगा दोस्तों, तो कल से फिर चांद पर रात होने वाली है। और आप सबको पता है कि रात होने के बाद चंद्रयान 3 का जो कुछ पार्ट है वो काम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस आज का दिन यानी कि 1 अक्टूबर का दिन ही केवल बचा है जब हमारे प्रज्ञान रोवर को एक्टिव होना है। दोस्तों अभी तक या जब तक मैं इस न्यूज को आपके सामने पहुंचा रहा हूं, किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिल पाई है कि प्रज्ञान रोवर कब तक एक्टिव होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई का वह ऐतिहासिक दिन था जब हमारा चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इस लॉन्च की खुशी इतनी थी, भारतवासी सब लोग झूम गए थे। मेरे पीछे की जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये उसी वक्त की है जब ये स्टेटमेंट जारी किया गया था कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड कर गया। वो तारीख थी 23 अगस्त की। जी हाँ दोस्तों, 23 अगस्त को इसी तरह हमारे चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर, जो कि पूरे दुनिया एशिया में पहला ऐसा हमारा सेटेलाइट था, ऐसा हमारा देश था जिसने इस जगह पर लैंड कराया, और एक बार उसने इतिहास रच। लेकिन दोस्तों 14 दिन हमारे चंद्रयान ने जिस तरह से काम किया, पूरी चांद की सतह पर घूम घूम कर वहां पानी की खोज की, साथ ही साथ वहां और चीजें क्या हो सकती हैं, इन तमाम चीजों की उसने खोज की। और 14 दिन के बाद उसको स्लीप मोड में डाला गया, क्योंकि दोस्तों स्लीप मोड में इसलिए डाला गया क्योंकि चांद में रात हो चुकी थी, वहां अंधेरा छा गया था, और अंधेरा के वक्त जो प्रज्ञान में सोलर प्लेट लगे थे वो चार्ज नहीं हो पाते, इसके वजह से उसको स्लीप मोड में डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद दोस्तों जैसे ही सूर्य की रोशनी चांद की सतह पर पड़ती है, सोलर प्लेट से वो चार्ज होता है हमारा चंद्रयान, जो उसमें किरण लगे हुए हैं, एक्टिवेट लगे हुए हैं, ये जो आप पीछे मेरे देख सकते हैं, और उसके बाद वो अपना काम करना शुरू करता है। लेकिन दोस्तों ऐसा अब तक नहीं हो पाया है, और आज तक यानी कि उसको 23 सितंबर को ही जाग जाना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों चांद पर 23 सितंबर को सुबह हो चुकी है, सूर्य की रोशनी पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक हमारी चंद्रयान 3 ने किसी तरह का कोई एक्टिवेट नहीं किया। इसको लेकर इसरो के तमाम वैज्ञानिक भारी चिंतित में, और खास करके एस सोमनाथ ने भी स्टेटमेंट जारी किया है। और जब ये मैं आपके सामने न्यूज प्रेजेंट कर रहा हूं, उस वक्त उन्होंने कहा है कि हमारे पास मात्र अब एक दिन बचा है, अगर हमारा प्रज्ञान रोवर एक्टिवेट नहीं होता है तो इस मिशन को हम फेल करार देंगे। तो क्या दोस्तों भारत के वो तमाम लोग जो इस आस पर मौजूद हैं कि एक बार फिर से हमारा प्रज्ञान रोवर एक्टिव होगा, हमारा प्रज्ञान रोवर आगे और नेक्स्ट काम करेगा और कई ऐसी खोज करेगा जो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात। लेकिन दोस्तों आज का दिन जैसे ही बीतता है, जैसे ही कल 2 अक्टूबर आएगा, चांद पर फिर से रात हो जाएगी, और इसे में हमारे प्रज्ञान रोवर को वो सोलर प्लेट पर चार्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाएगी, और कहीं ना कहीं प्रज्ञान रोवर वहीं का वहीं सो जाएगा। भगवान और तमाम लोगों से आप प्रार्थना कीजिए कि ऐसा ना हो, वो जल्दी से जल्दी एक्टिव हो जाए दोस्तों,
और हमारे मिशन को आगे बढ़ाए। तो दोस्तों आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट हमारे भारत के लिए लिख सकते हैं, मैं अपने चैनल के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन दोस्तों आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं, क्या आज हमारा प्रज्ञान रोवर एक्टिव हो पाएगा, क्या प्रज्ञान रोवर को एक्टिव होना चाहिए, या फिर क्या लगता है कि हमारा मिशन किस तरह से आगे जाएगा, कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ दोस्तों, चलते चलते एक बार फिर से, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए दोस्तों। सबसे पहला काम आप लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे अपलोडेड न्यू वीडियोस ऐसे ही मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों।